मीन्स कि व्हेन वी किसी ने कोई सवाल पूछा तो हम दूसरे को बोलते हैं इसको रिकॉर्ड करने के लिए, रिकॉर्ड नहीं सॉरी रिपोर्ट करने के लिए. तो आप देख लीजिए क्या हो जाता है, द इनडायरेक्ट स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सम वर्ब्स. तो आपके जो सेड होंगे वगैरह जो प्रिंसिपल वर्ब्स है, मेन वर्ब्स जो है वो चेंज हो जाते हैं, आस्क्ड, इंक्वायर्ड, ठीक है, वॉन्टेड टू नो, इन चीजों में चेंज हो जाते हैं. ठीक है, व्हेन द क्वेश्चन इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय इंट्रोगेटिव वर्ड द रिपोर्टिंग वर्ब इज फॉलोड बाय वेदर और इफ. व्हाट आर द इंट्रोगेटिव वर्ड, कि वो वाले क्वेश्चन जो डब्ल्यू एच व्हाट व्हेन वेयर डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं, तो अगर वो वाले क्वेश्चन नहीं होंगे तो व्हाट आर द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, वो ऑक्सिलरी क्वेश्चन होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स है, जैसे इज शी राइटिंग द लेटर, एम आई गोइंग देयर, विल शी बी देयर. तो ये वाले क्वेश्चन जो होंगे जो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होंगे, तो आप उनमें से क्या वर्ड लगाएंगे, या तो वेदर लगाएंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब के बदले, या इफ. तो इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा. ये एग्जाम्पल देख लीजिए बेटा, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग. ठीक है, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग. पहले हमारी दो चीजें, नजर हमारी इस तरीके पे होनी चाहिए कि ये कौन सा क्वेश्चन है, ये आपका सिंपल इंट्रोगेटिव है, डब्ल्यू एच सामने आ रहा है. और आप एक और चीज पे कंसिडर करेंगे दिमाग, व्हाट आर यू डूइंग, इसका आप देखेंगे कि इसका सिक्वेंस क्या है सेंटेंस का. डब्ल्यू एच इज इन क्वेश्चन, आर is a simple helping verb, you is what subject, doing is verb. तो हमारे sentence का structure जो है that is WH question plus plus subject plus verb. ठीक है ना, तो ये हमारा है. अब अगर हम इसको convert करेंगे, पहले said to be is converted into asked me, ठीक है, फिर what वापस रहेगा, फिर आर यू वगैरह ये सब खत्म हो जाएगा, इसके बाद डब्ल्यू एच के बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा. वहां पर क्या होता था, पहले में जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें आपका पहले आता था डब्ल्यू एच, फिर वर्ब आता था, फिर सॉरी डब्ल्यू एच आता था, फिर आपका सब्जेक्ट आता था, फिर वर्ब. दैट मीन्स क्वेश्चन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता था. लेकिन जब हम उल्टा करते हैं, वहां पर क्वेश्चन आएगा पहले, क्या कहेंगे, सब्जेक्ट आएगा, एंड में वर्ब आएगा. What I was doing, you doing is converted into जो हमने पहले भी पढ़ा, कि हमने पढ़ा जो आपका present continuous होता है वो change होता है past continuous में, तो वो हो जाएगा what I was doing. और question जो statement है question mark, वो खत्म हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज देख लेते हैं, where do you live, ask the stranger. ठीक है, तो इसमें पहले ask the stranger पहले लगाएंगे, the stranger inquired, ask भी लगा दीजिए, कोई issue नहीं है. Where do you live? तो where लगा देंगे, फिर where, फिर I आएगा पहले, do you is converted into I. ठीक है, where I lived. ठीक है, that means पहले आपका I आएगा फिर lived आएगा, क्योंकि present sorry simple present change हो जाएगा past tense में. Clear? Okay. फिर उसके बाद तीसरी example देख लेंगे, the policeman said to us where are you going. तो पहले देखेंगे are you going is our which kind of verb, ये किस tense में है. Are you going is our present continuous, तो ये change हो जाएगा past continuous में. The policeman said to us is asked लिख सकते हैं, inquire लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है. Where are you going, तो where आप लिखेंगे, आपको खुद ये अंदाजा होना चाहिए कि pronouns हमने पहले भी पढ़े हैं वो accordingly change हो जाएंगे, वो आपको पता होगी. Where we, ठीक है, हम थे ना, हम plural थे, तो are you going, you is used as a प्लूरल, इस्तेमाल होता है सबके साथ. तो अब अगर इसका चेंज देखेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा वी वेयर गोइंग, ये क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क सब में खत्म हो रहा है. अब उसके बाद देख लीजिए, जो हमें बेसिक चीज सीखनी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज इनडायरेक्ट. ठीक है, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वो ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी वही बात गया कि डब्ल्यू एच के बगैर जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे ना, जिससे सेंटेंस हो जाएंगे, जैसे विल है वगैरह है, ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स है. ठीक है, ही सेड विल यू लिसन टू सच अ मैन. ठीक है, तो इसको हम यस नो क्वेश्चंस भी कहते हैं ऑक्सिलरीज को. विल यू लिसन टू सच मैन, अब इसको कन्वर्ट कर लीजिए, ही आस्क्ड देम टू वेदर, आस्क्ड कभी नहीं हो जाएगा. ओके, यहाँ पर ये लिखा है ही सेड, इसने आस्क्ड लगा है. चलिए ठीक, दो चीजें सॉरी, ये आपको एक दो चीजें बहुत दिमाग में रखनी है. चेंज ही आस्क्ड रहेगा सेम एवरीवेयर, ही आस्क्ड, ही इंक्वायर्ड, ही वांटेड टू नो, दैट इज एवरीवेयर सेम. बट द क्वेश्चन इज कि हम क्या करते थे, पहले में हम डब्ल्यू एच वैसे ही लगा देते थे, लेकिन यहाँ पर क्या चेंज आएगी, ही आस्क्ड देम, इस विल के बदले वेदर आएगा या इफ आएगा. वेदर दे लिसन टू सच अ मैन, विल यू लिसन इज सिंपल, विल यू लिसन टू सच अ मैन इज अ सिंपल फ्यूचर, इसको कन्वर्ट कर दीजिए.
वेदर दे वुड लिसन, तो वेदर आएगा उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद आपका ये वर्ब आएगा, वेदर दे वुड लिसन टू एज सच अ मैन, ठीक है, और वुड दे, ये इसने फिर लगा दिया है वुड दे ही आस्क टू लिसन, सो दिस इज अ सेकेंड वे ऑफ चेंजिंग द, बट पहला वाला ज्यादा आसान है वही कर ले। अब देख लीजिए दूसरा, डू यू सपोज यू नो बेटर देन योर फादर, जियर्ड हिज जियर्ड मीन जियर देन हिज एंग्री मदर, ओके सो नाउ लेट अस सी दिस, ओके हिज एंग्री मदर जियर्ड, जियर्ड मीन जियर दिस एंड आस्कड, सो डू यू, ऑल दीज आर ऑक्सिलरी वर्ब्स, मैंने पहले भी कहा, तो आस्कड अपना ही रहा, फिर वेदर आ गया उसके बदले, एंड व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज वेदर के बाद, मैंने पहले भी आपको ये समझाया कि सब्जेक्ट आएगा उसके बाद वर्ब आएगा, वेदर ही सपोज दैट, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन का टेंस था दैट वाज प्रेजेंट, सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पास्ट, ही न्यू बेटर देन हिज ओन फादर, यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके लेट मी सी एनी क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क स्टूडेंट्स, बेटा कोई क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं जो आपको क्लियर नहीं हुआ यहाँ पर? आसला यस मैम, बेटा कोई क्वेश्चन जो मुझे आप पूछना चाहते हैं जो यहाँ क्लियर नहीं हुआ आपको? सब श्योर? अच्छा एनी क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क, किसी को कोई सवाल है इस चीज के रिलेटेड? नो मैम, मुसद्दिक 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 मुसद्दिक, इज इट क्लियर? यस मैम, स्लीपिंग, कोई मैं नहीं सोया क्वेश्चन? हूँ। अच्छा नो चलिए मैम, अच्छी बात, सवाल सब समझ आया? अबे फिर से एक बार रिवाइज करती हूँ, समझ लो देखो क्या है, दो चीजें याद रखनी है कि जब डब्ल्यू एच क्वेश्चन होगा तो वो वैसे ही रहेगा, आस्कड हर एक क्वेश्चन में लगेगा, आस्कड और इंक्वायर्ड किसके बदले? रिपोर्टिंग वर्ब के बदले, दैट इज सेड टू मी, जो होंगे ये सारे वर्ब्स उनके बदले अब आस्कड और इंक्वायर्ड लगा देंगे, ठीक है। और दूसरा थंब रूल जो आपको है वो है ये कि ये डब्ल्यू एच इज आसान, तो इसे डब्ल्यू एच थे नहीं था, व्हाट व्हेन वेयर ये वैसे ही रहेंगे, उसके बाद डायरेक्टली आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, व्हाट आई या व्हेन आई ये सब आएंगे, इसके बाद डायरेक्टली सब क्या आएगा, क्या कहते हैं उसको, सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद वर्ब आएगा, ये सीक्वेंस रहेगी सेंटेंस की, और अगर प्रेजेंट में होगा तो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो टेंसेस का आपको पता है। अब अगर यहाँ पर दूसरी चीज होगी कि वन एस ऑक्सिलरी सवाल, ऑक्सिलरी को यात्मस विल आस मे आस माइट आस यस नो क्वेश्चन आस, तात्मस क्या गेस चेंज, तात्मस गेस बराबर, पर्सन वर्सन वैसे ही रहेगा, चेंज होगा जैसे होता है, आस्क्ड आएगा, आप जो डब्ल्यू एच रखते थे वहां पर वो नहीं आएगा, आप वैसे ही क्वेश्चन लिखते थे, व्हाट लिखते थे व्हेन लिखते थे वो नहीं आएगा, उसके बदले क्या आएगा, उसके बदले आएगा वेदर और इफ आएगा, वेदर और इफ आएगा, या तो वेदर लगा दो या तो इफ लगा दो, और उसके बदले सीक्वेंस वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहेगा, किसमें, जब आप कन्वर्ट करेंगे इन डायरेक्ट में, ये क्लियर हुआ? ठीक है, इन दो एग्जाम्पल्स को आप घर में देख लेंगे, याद कर लेंगे, मैं सुबह आपको ये सारा पूछूंगी। एनी अदर क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? नो सो रहे क्यों, थोड़ा एनर्जेटिक रहो क्लास में, क्या हो गया आपको? सूफी मेहरा मेहरीन, यस मैम, एनी क्वेश्चन बेटा? मैं ज्यादा नो तेज तो मैम, नहीं चल रहा, आपको समझ आया? यस मैम, इफ यू वांट टू मेक मी रिपीट द आई विल रिपीट इट अगेन, नो ठीक मैम, है? चलिए ओके ठीक मैम, है, चलिए, यू विल, व्हाट इज योर होमवर्क फॉर टुडे इज दैट यू विल रिवाइज दीज रूल्स एट योर होम, दो चार दफा इसको पढ़ लीजिए, ये रिवाइज हो जाएगा, ठीक है बेटा? ओके मैम, चलिए ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज मैम, ओके 12:05 इज ऑलरेडी, सो हम लोग क्लास को ओवर करते हैं, ओके अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।